नए प्रमाण का उल्लेख आया है और ऋषभ देव के नाम से आया है, तो वैसे तो न्याय बहुत पहले से है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि न्याय नया आया है, पहले नहीं था। लेकिन फिर भी जो ऐसा न्याय अपन पढ़ रहे हैं इतना क्लियर, वो अगर शुरुआत कहीं से हुई तो समंत भद्र से ठीक से होती। समंत भद्र ने सबसे पहले प्रमाण, नए, न्याय इन शब्दों का प्रयोग भी किया और इनकी परिभाषाएं दी थी, और वो थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जरा जरा सी है लेकिन वो भी आउटलाइंस है। उसके बाद में अकलंक ने इस चीज को बहुत विस्तार देके व्यवस्थित किया, इसलिए अकलंक को ही प्रतिष्ठापक कहा जाता है और उसके जनक माने जाते हैं समंत। जैन न्याय के जनक है समंत भद्र, उसके प्रतिष्ठापक हैं अकलंक, और उसको ठीक से प्रचारित करने वाले हैं माणिक्य। माणिक्य नंदी ने पहली बार परीक्षा मुख सूत्र लिखकर सब जगह न्याय को प्रचारित किया। इन्हीं में सर पहला सूत्र गलत है, ये पहला ही है, अरे एक ही लिखा है, एक ही लिखा है। वो तो तत्वार्थ सूत्र जैसी बात है, बिल्कुल जैसे तत्वार्थ सूत्र है वैसा ही परीक्षा मुख सूत्र है, दोनों में सैकड़ों बातें समान है, कोई एक एक रचना है, पहली रचना है, सारी बातें वैसे। चलो अब हम अपना न्याय मंत्र शुरू करते हैं। देखो आपका जो प्रकरण चल रहा है न्याय मंदिर में, वो तीसरे द्वार में परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत अनुमान प्रकरण चल रहा है। अनुमान की बात आप लोग पढ़ रहे हैं और तीसरे अध्याय के मैंने सुना है कि 35 सवाल 36 सवाल हो चुके हैं और 37वां सवाल उपनय का है, वो आपका चल रहा है। 37वां सवाल है उपनय का। मैं इस चर्चा को करूं इससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें बहुत जरूरी समझता हूं कहना, इसलिए मैं करता हूं। देखो न्याय शास्त्र के अनेक नाम हैं। न्याय शास्त्र को हेतु विद्या भी कहते हैं, तर्क शास्त्र भी कहते हैं। ऐसे ही न्याय शास्त्र का एक पर्यायवाची नाम है अनुमान शास्त्र। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्याय शास्त्र में अनुमान का कितना बड़ा महत्व होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो न्याय का मतलब है प्रमाण नयात्मको न्याय, माने प्रमाण और नय के समूह का नाम न्याय है, फिर नय के भेद, फिर प्रमाण के भेद, विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें भी फिर प्रत्यक्ष के दो भेद, परोक्ष के पांच भेद, लेकिन अनुमान इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहा न्याय शास्त्र का दूसरा नाम है अनुमान शास्त्र, अनुमान विद्या। वास्तव में हमको प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या कुछ समझना है ज्यादा, प्रत्यक्ष तो सब कुछ सामने है, ये डस्टर है ये कौन नहीं जानता है, क्या सिद्ध करना है इसमें, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे कमरे में डस्टर रखा है कि नहीं ये जानना हो वो कठिन है। हमको अदृश्य पदार्थों का ज्ञान करने के लिए दर्शन शास्त्र की जरूरत है, और अदृश्य पदार्थों का सही सही ज्ञान हो इसके लिए अनुमान की जरूरत है। तो अनुमान प्रमाण को समझने के लिए ही वास्तव में न्याय विद्या है।
न्याय विद्या आपको कुछ समझाने के लिए विकसित नहीं हुई है। क्या है साम्यवादी प्रत्यक्ष को क्या समझाना है, वो तो सब जगह समझा रखा है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष को क्या समझाना है, केवल ज्ञान का स्वरूप है वो भी अलग है। आपको हमको जो चीज समझानी है, ये 300 ग्रंथ जो लिखे गए हैं न्याय पर, वो एक ही विषय को समझाने के लिए लिखे गए हैं, उसका नाम है अनुमान। एक आचार्य ने तो ऐसा लिखा है कि प्रमाण दो ही होते हैं, जैन आचार्य ने बोले प्रत्यक्ष और अनुमान, तीसरा कोई प्रमाण नहीं। उन्होंने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और आगम, इनको अनुमान के भेद माना है। आप समझना, मेरी बात समझ रहे हैं, अनुमान कितना इम्पोर्टेंट होगा कि उन्होंने कहा एक अनुमान को समझो बस। स्मृति भी देखा जाए तो अनुमान है, प्रत्यभिज्ञान भी देखा जाए तो अनुमान है, तर्क भी देखा जाए तो अनुमान है, आगम भी देखा जाए तो अनुमान है। अनुमान के दो भेद कर दिए कि मुख्य अनुमान और गौण अनुमान। तो ये अनुमान है वो मुख्य अनुमान है, और गौण में उन्होंने स्मृति प्रत्यभिज्ञान को ले लिया। सर ये अनुमान वो तो नहीं जो हम अनुमान लगाते हैं। वही बताना चाह रहा हूँ। अभी देखो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हम लोग रोजमर्रा की भाषा में अनुमान शब्द बोलते हैं, अंदाजा, लेकिन इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ तो हमारा अंदाजा होता है, ये कमरा कितना होगा, बोले 20 फीट का होगा, लेकिन 20x20 का ये हमारा अनुमान है। ये जो शास्त्रों में, न्याय शास्त्र में जो अनुमान आया है, वो उसका नाम है जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे। अनुमान न्याय शास्त्र में उसे कहते हैं कि जो परोक्ष है लेकिन 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जैसे हमने बोला कि ये 20x20 का है, लेकिन जब इंची टेप लेकर बैठे तो पता चला कि ये 18x6 है, 18.6 है, तो ये कैसे निकला 18.6। अनुमान भी उसी का नाम है जो एकदम सही बताए। मैंने बोला ये चीनी 5 किलो होगी, अब तोला तो वो 4 किलो 600 ग्राम निकली, तो 4 किलो, ये हमारा अनुमान गलत निकला। अनुमान उसे कहते हैं, यहाँ पर अनुमान उसका नाम है जो 100% सही परिणाम देता हो, गलत परिणाम दे दे उसका नाम अनुमानाभास है। बहुत बड़ी बात है। जैसे कैसा होगा अनुमान, आपने तराजू से तोली चीनी और तब आपने देखा कि ये 5 किलो है, तो ये तो प्रत्यक्ष। लेकिन अनुमान कैसा होता है, आपको किसी ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा कि जो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। कल्पना करो एक व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और उसने कहा कि ये चीनी 5 किलो है, तो उसने उसके कहने से आप कह रहे हो तो ये अनुमान हो गया, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता है। समझ में आई ना बात। अनुमान में अंदाजा नहीं होता है, अनुमान में गलती निकलने की संभावना नहीं है। जितना सही, जितना विश्वसनीय, जितना प्रामाणिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुमान भी उतना ही सही, उतना ही प्रामाणिक, उतना ही विश्वसनीय ज्ञान होता है, उसमें जरा भी कमी नहीं होती है। अनुमान में और प्रत्यक्ष में, प्रामाणिकता में, समीचीनता में, विश्वसनीयता में कोई अंतर नहीं होता है। अनुमान पर कितनी बातें करो, मेरा बहुत प्रिय विषय है अनुमान, और अनुमान पर ये एक PhD हुई है, और ये PhD 300 पेज की है, और इसकी एक एक लाइन ऐसी है जैसे किसी ने लोहे पर छेनी से लिखा हो। ये दरबारी लाल कोठिया के लिए PhD है।
कोई मेरे से पूछता है ना कि आदर्श पीएचडी बताओ, तो मैं दो चार शोध प्रबंध ऐसे हैं जिनके नाम बताया करता हूँ, और उनमें से एक ये आदर्श पीएचडी है। वास्तविक पीएचडी की कोई अगर ईमानदारी से अच्छी पीएचडी करना चाहता हो कि पीएचडी कैसी होती है, तो आजकल जो बहुत सारे थीसिस आते हैं, आजकल हजार थीसिस में एक थीसिस बढ़िया होता है, और ये उन ये हजार में से एक है। बहुत उच्च कोटि का शोध प्रबंध है, इसका नाम है जैन तर्क शास्त्र में अनुमान विचार, अनुमान पर पीएचडी है, और लेखक है डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया, न्याय शास्त्र के धुरंधर विद्वान। आप न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कोई पूछ ले कि न्याय विद्या के पारंगत पांच विद्वानों के नाम बताओ, कोई ऐसे पांच विद्वान बताओ जो न्याय शास्त्र में एक्सपर्ट हो, तो आपको पता रहना चाहिए ये लोग न्याय शास्त्र में काम करते रहे। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, न्याय शास्त्र के धुरंधर विद्वान। डॉक्टर उदय चंद जी, न्याय शास्त्र के धुरंधर विद्वान। ये दरबारी लाल कोठिया, कहना ही क्या, न्याय शास्त्र के धुरंधर विद्वान। न्याय दीपिका वगैरह का संपादन भी इन्होंने किया। जुगल किशोर मुक्त्या, न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित। तो न्याय शास्त्र के दो चार पांच विद्वानों के नाम भी आपको पता रहना चाहिए। मैं इतना कहकर ये भूमिका बनाई है कि अनुमान को पढ़ना ही न्याय को पढ़ना है। अगर अनुमान समझा तो न्याय पढ़ा, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ा। न्याय की बहुत से लोग कहते हैं हमें न्याय आता है, और सीख क्या लेते हैं, बस जरा सा सीख लेते हैं, अतिव्याप्ति अव्याप्ति लक्षण लक्षणाभास उद्देश्य लक्षण निर्देश प्रमाण के दो भेद प्रत्यक्ष परोक्ष चार्ट बनाना ये करना, इसका नाम न्याय का मर्मज्ञ नहीं है। न्याय का मर्मज्ञ वो है जो अनुमान को जानता है। और ये बात मेरी नोट करने लायक है कि अनुमान का मतलब यहाँ पर प्रामाणिक ज्ञान है, न्याय में प्रत्यक्ष और परोक्ष में कोई गल अंतर नहीं है, केवल उसमें साक्षात असाक्षात का अंतर है, उसकी समीचीनता में उसकी प्रामाणिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुमान भी एकदम प्रामाणिक, एकदम समीचीन, एकदम विश्वसनीय ज्ञान का ही नाम है, जो शत प्रतिशत सही रिजल्ट देता हो उसे अनुमान कहते हैं, वो कोई गड़बड़ नहीं होता। अब देखो, अब हमें समझना है, अब आप अंदाजा लगाओ कि हम अनुमान पर एक निबंध लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अनुमान के बारे में आप छोटा सा निबंध लिखो, समझो अनुमान प्रमाण का स्वरूप। ये निबंध अपने लिए लिखो, अपने कल्याण के लिए लिखो, जनता के कल्याण के लिए नहीं। वो अपने ये न्याय मंदिर में ईमानदारी से आज यहाँ स्वीकार कर रहा हूँ, ये न्याय मंदिर मैंने स्वयं को न्याय समझाने के लिए लिखी थी है, और ये पता नहीं कब धीरे धीरे ये किताब बन के बाहर आ गई। मेरे न्याय समझ में नहीं आता था, और समझने की इच्छा बहुत थी, मैं सोचता था कि ये वैज्ञानिक है, बहुत तर्क से चीज को ईमानदार बनाता है, ठीक से समझने की कला सिखाता है, तो मुझे ये विद्या सीखनी है। और बस मैंने शुरू किया तरीके से समझना, अपने पास सिस्टमेटिक एक कॉमा फुल स्टॉप भी तरीके से लिखूंगा, प्रमाण सहित लिखूंगा, और ऐसे करके मैंने बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे ये किताब पहले फोटोकॉपी बनी, फिर बहुत इसकी ये किताब छपने से पहले तीन दफे छप गई, और बहुत जगह चली गई, और हजारों कॉपियां छप गई इसकी, और हजारों सुझाव आ गए, करेक्शन हो गए, और तब जाके बाद में छपी है। ये छपी तो 2006 में है, आज से 15 साल पहले, लेकिन लिखी आज से 30 साल पहले है। तो देखो, अब आप समझो, आप अपने लिए एक अनुमान पर निबंध लिखेंगे, अनुमान का स्वरूप, अनुमान प्रमाण का स्वरूप, ये बहुत जरूरी विषय है।
तो कैसे लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे, हमारी वही स्टाइल, और भूमिका में क्या लिखेंगे ये बातें मैं बता चुका हूँ। अभी जो बता दी है ये सब बातें भूमिका के अंतर्गत चली जाएंगी। अनुमान का स्वरूप जब आप लिखेंगे तो उसकी प्रस्तावना, उसका महत्व, वो तो भूमिका में आ जाएगा। इसके बाद में आपको जो मुख्य बातें तीन कहनी है, वो तीन बातें हैं। नंबर एक, ये पकड़ लो, ये देखो, ऐसे समझ लो, ये तो हो गई भूमिका। सबसे पहले सोते जगते आपको एकदम पता रहना चाहिए, जब भी अनुमान की बात हो तो आपको चार पैर बिल्कुल क्लियर दिखाई देने चाहिए। पहले मैं आपको अनुमान के महत्व पर प्रकाश डालूं। भूमिका मतलब महत्व, जो इतनी बातें आपको कही ना अभी मैंने, अनुमान का मतलब जो लोग समझते हैं कि अनुमान माने अंदाजा और गलत भी हो सकता है, वो सब बातों का खंडन करके अनुमान की प्रामाणिकता को, अनुमान की समीचीनता को, अनुमान की विश्वसनीयता को स्थापित करने का काम करेंगे भूमिका में। ये भूमिका चार लाइन की नहीं होगी जैसी हम लिखते रहे हमेशा, आज की ये भूमिका ही आपकी एक पेज की होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है, आप ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कहना है। अनुमान की भूमिका में आपको 10, 15, 20 लाइनें लिखना ही लिखना है, 20 लाइनों में भूमिका लिखेंगे आप। इसके बाद में अनुमान का लक्षण, अब ये तीन चीजें हमारे चित्त में बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए। अनुमान का लक्षण आप पढ़ चुके, जल्दी से बोल दो कौन बोलेगा इस दिन, हाथ खड़े करो, किस किस को पता है, हाथ खड़े करो, अनुमान का लक्षण कौन कौन बोल सकता है? अनुमान का लक्षण तुरंत पता रहना चाहिए, अनुमान कहते किसे हैं, तत्काल व्यक्त होना चाहिए। साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये तत्काल, इतनी सी लाइन कंठस्थ कर लो। ये माणिक्य नंदी महाराज का, अनेक आचार्यों का वचन है, इसे कंठस्थ कर लो। ये तो लाइन ऐसा है, नींव का पत्थर है, ये ही है सारा मूलाधार। अनुमान किसे कहते हैं? साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये बहुत जरूरी चीज है, अनुमान का लक्षण है। हिंदी में भी बोल सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको परिभाषा यही बोलनी है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में कुछ कठिनाई नहीं है। साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान होना। विज्ञान शब्द भी इसीलिए डाला, उसकी प्रामाणिकता को रेखांकित करने के लिए। साधन से साध्य का सही ज्ञान होना ही अनुमान है। अब यहां मुद्दा फंस गया, बस ये जो बात आई ना कि साधन से साध्य का ज्ञान, ये बात बहुत खास हो गई। साधन से साध्य का ज्ञान वो अनुमान है। अब यहाँ इस पर चाहिए घंटों का चिंतन, इस पर चाहिए हजारों पेज। साधन माने क्या, साध्य माने क्या, इस पर बहुत बहस हुई है। हमको कोई भी काम करना है, सारे दर्शन शास्त्र को समझने के लिए आपको सारी जिंदगी यही काम करना पड़ेगा। जैसे आत्मा को जानना है, तो आत्मा को जानना है तो आत्मा हो गया साध्य। आपको पुद्गल को जानना है,
आपको धर्म द्रव्य को जानना है, आपको अधर्म द्रव्य को जानना है, आपको सिद्ध परमेष्ठी को जानना है, आपको परमाणु को जानना है। जिसे जानना है उसका नाम है साध्य, और चूंकि वो परोक्ष है, चूंकि हमें प्रामाणिक ज्ञान करना है, इसलिए उसका जो सही हेतु है, सही चिन्ह है, उसका नाम है साधन। साधन माने ऐसा चिन्ह, ऐसा तर्क, ऐसी हेतु जिससे साध्य को एकदम सही रूप में जाना जाए, उसका नाम है साधन। अब पहले अनुमान की परिभाषा याद रखनी है कि साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, फिर साधन की परिभाषा याद रखनी है, साध्य की परिभाषा याद रखनी है। साध्य किसे कहते हैं? तो साध्य की परिभाषा दी गई है इष्टमवाजित मसिद्धम साध्यम, के जो इष्ट हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और बहुत जरूरी है ये थोड़ी सी मेहनत जीवन भर का आराम। साध्य में तीन क्वालिटी होनी चाहिए और साधन में साधन की परिभाषा है साधन। साधन किसे कहते हैं? साध्या बिना भावित्वेन निश्चितो हेतु, जो साध्य के साथ अविनाभाव रूप से रहता हो उसे साधन कहते हैं। और इसके तीन नाम है, यहीं से सब कुछ निकल जाता है, अन्यथा अनुपत्ति भी कहते हैं इसकी। अब ये सब भटक जाओगे नहीं तो, ये अन्यथा अनुपत्ति भी इसी का नाम है, तथोपपत्ति भी इसी का नाम है, व्याप्ति भी इसी का नाम है। लक्षण में और इसमें फर्क है। लक्षण से हम लक्ष्य को जानते हैं सिर्फ, इसमें हमारा साध्य अलग है। और वो लक्षण लक्ष्य में तो हम आत्मभूत अनात्मभूत ऐसे करके बनाते हैं, लेकिन उसका इससे संबंध नहीं है। ये तो केवल उसमें प्रत्यक्ष भी शामिल होगा, स्मृति प्रमाण तर्क ये केवल अनुमान में लगेगा। हाँ, व्याप्ति उसमें नहीं बैठेगी, यहाँ व्याप्ति वाला मुद्दा अलग है और अविनाभाव वाला मुद्दा अलग है। और लक्षण लक्ष्य तो थोड़ा एक दूसरे टाइप का विषय है, इसको लेता हूँ मैं अभी। देखो साधन को पहले एक दफे क्लियर करें हम। साधन माने जिसका साध्य के साथ अविनाभाव है, अविनाभाव माने जो उसके बिना रहता नहीं है, भाव माने होना, बिना माने उसके बिना, ए माने नहीं, जो उसके बिना नहीं रहता है उसका नाम है साधन। और साधन का ही एक और नाम भी है, वो है हेतु। देखो ये हेतु भी है, लक्षण नहीं है ये। हेतु के भेद प्रभेदों से वो चीज क्लियर होगी कि जब हम लक्षण करेंगे तब तो एक लिमिटेड एरिया है, और ये करेंगे तो कभी हेतु के भेद तो 36 प्रकार के हैं, कभी कारण भी हेतु बनेगा, कार्य भी बनेगा। तो अनुमान का स्वरूप समझने के लिए ये दो चीजें समझना जरूरी है, साधन और साध्य। ये नहीं समझे तो अनुमान नहीं समझना है। फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी इस पर बहुत बात है लेकिन हमारा कोर्स एक नजर में पूरा हो। अनुमान के भेद, भेद दो है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अनुमान के दो भेद हैं,
देखो सबसे ज्यादा समझने की बात भी यही ज्यादा है, यहां सबसे ज्यादा रस्सा कसी होने की बात है, समझने का मुद्दा सबसे ज्यादा है। इनमें भी सरल सरल बातें हैं और थोड़ी सी बातें हैं। अनुमान के भेद, अनुमान कितने प्रकार का होता है, तो बहुत सीधी सी बात है, अनुमान दो प्रकार का होता है, एक का नाम है स्वार्थानुमान और दूसरे का नाम है परार्थानुमान। क्या फर्क है स्वार्थानुमान परार्थानुमान में, कि जब स्वयं साधन से साध्य का ज्ञान हो जाए तो उसका नाम स्वार्थानुमान है, और जब स्वयं